नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यन्दु मंडोल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और कल के लिए मतलब 25 फरवरी 2020 के लिए मैंने ये स्टॉक सुना है, इक्विटी। इसका इक्विटी है, इसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी फ्यूचर्स का बाय लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। तीनों सेट ऑफ बाय लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा और उसके बाद उसके साथ पिवट पॉइंट और बोलिंजर बैंड प्राइस चैनल टिटोन लेवल वो सब भी दिखाऊंगा। और उसके बाद 100 डे ईएमए स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा, इंसर्ट डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जीएमएम स्ट्रेटेजी और NR4 NR7 कैंडल स्टिक फॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये व्यू आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, और जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा काम करने के लिए। और स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स एंड पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, हेजिंग ऑप्शन और भी बहुत सारा वीडियोस मैंने डालते भी रहूँगा। तो वीडियो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसका जो ये हाउ टू स्क्रीन ये सब ये फाइल जो आप लोग को कैसे स्क्रीनिंग करना है, हाउ टू स्क्रीन एंड क्या इसमें क्या क्या है, वो भी वीडियोस आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। वो वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिए ताकि और इसका जो टुडेज परफॉर्मेंस वाला जो वीडियोस मैंने पहले भी बनाया और बीच बीच में बनाता हूँ, आज भी बनाया हूँ, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो कैसे आप लोग को प्रॉफिट आएगा, कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर जा सकता है, वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसका फ्री ट्रायल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने सकता है, इसमें जिसमें मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ, वो भी लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फाइल सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक, ये सैम्पल फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग देख सकता है इसमें क्या क्या है और कैसे आप लोग इसको काम पर लगा सकता है। तो वो भी आप लोग को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस का लिंक, इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिया जाएगा, वो भी आप लोग को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें तीनों सेटअप बाय सेल लेवल है, बाय मैंने फर्स्ट सेट दिखाता हूँ, बाय लेवल लेवल वन बाय लेवल, ये बाय लेवल है, बाय का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ रहता है और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ रहता है। सेल का एंट्री लेवल भी ऐसा है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ। और इसमें आप लोग को गैप ओवर गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है और आप लोग इसमें उसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लीजिए और उसका आप लोग को पता चल जाएगा। और ये है बाय लेवल सेल लेवल टू, ये नेक्स्ट सेट बाय लेवल एंड सेल लेवल। और इसके बाद मैं थर्ड सेट ऑफ बाय लेवल सेल लेवल दिखाऊंगा। ये है बाय लेवल सेल लेवल थ्री, इसका आर वन एंट्री पॉइंट है, बाय का एंट्री पॉइंट और एस वन सेल का एंट्री पॉइंट। और इसमें आप लोग को स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट ये आप लोग जरूर नोट कीजिए, इसमें आप लोग को काम पे आएगा। और बोलिंजर बैंड ये आप लोग इसमें भी आप लोग ट्रेड ले सकता है, बोलिंजर बैंड का अपर बैंड लोअर बैंड, प्राइस चैनल का अपर बैंड लोअर बैंड, मिड बैंड और ये जो टीरन लेवल जो है इसका टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन, इसमें भी आप लोग ट्रेड ले सकता है। और मैंने इसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी सेम दिखाऊंगा, बाय लेवल सेल लेवल वन टू और थ्री आप लोग कुछ भी और पिवट पॉइंट जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में मॉनिटर करने का, इसको लाइव मार्केट में मॉनिटर करने के लिए सुविधा हो जाएगा। इसमें फ्यूचर का है और ये भी निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स का है, ये आप लोग तीनों सेटअप देख सकता है, कोई भी फॉलो कर सकता है, नहीं तीनों एक साथ फॉलो कर सकता है, कौन सा लेवल पे चल रहा है तो आप लोग को पता चल जाएगा। इसका बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, टीरन लेवल ये सब आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कमोडिटी का दिखाता हूँ, मैंने जो पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा फाइल शेयर करता हूँ, उसमें कमोडिटी का अपडेट नहीं दिया हूँ, तो कमोडिटी का इसीलिए वीडियो में ही दिखा देता हूँ। जो लोग मेरा ग्रुप पे है तो वो लोग ये इसमें से कमोडिटी का व्यू देख ले सकते हैं।
एडिटिंग का और भी कुछ बाकी रह गया। अब लोग पॉज करके ज़रा देख लीजिएगा, मैंने जल्दी कर लेता हूँ। मेरे वीडियोस का लिमिटेड टाइम है और वीडियो का लिमिटेड टाइम है, तो इसलिए सब कुछ दिखाने के लिए मैंने जल्दी कर देता हूँ। और इसका कुछ फीचर्स का लेवल बाई लेवल से लेवल वन ही दिखाता हूँ। इसके बाद मैंने 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। देखिए इसमें जो 100 डे इमेज स्ट्रेटेजी है, इसमें देखिए अंबुजा सीमेंट को 100 डे मूविंग एवरेज आज का कैंडल को काट किया है, तो कल का ये जो हाई लो ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। जिस कैंडल का आज का डेली कैंडल का हाई लो मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है, तो उसका हाई लो जब तोड़ता है अच्छा मूवमेंट देता है। तो मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, डेली चार्ट दिखाना पड़ेगा, कैंडल लेना पड़ेगा, कैंडल है इसमें दिखाता हूँ। इसका जब हाई लो ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट देता है। और इसके बाद सोच लीजिए, मैंने आप लोग को अंबुजा सीमेंट दिखाया, और मैं सबको दिखाने का जरूरत नहीं है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। मैंने स्टॉक्स जिसका मैंने जस्ट आप लोग को कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए मैंने दिखाता हूँ। और पर मैं नीचे में चला गया, एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन है कि एवरेज का एवरेज लेता हूँ, मूविंग एवरेज लेता हूँ और इसमें क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेता है, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में एक दो नहीं मिलता है, लेकिन उसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। देखिए एक्सिस बैंक को काट किया है और इधर भारत फोर्ज है, इसको भी काट किया है, तो देखता है। इसके बाद मैंने इनसाइड द बार NF4 NF7 स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। आप लोग इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शायद आप लोग सबको कॉन्सेप्ट में है, जो वन डे का और टू डे का ये सबसे इनसाइड द बार होता है, और जो NF4 NF7 भी आप लोग को कॉन्सेप्ट होगा होगा। तो देखिए अपोलो टायर में ये वन डे का ये सबसे बना है, अपोलो टायर में देखिए डेली चार्ट ऑटोमेटिक से नॉन डे में नहीं बना है। इसका हाई लो का अंदर रहने चाहिए था, इसका हाई आज थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा 15.25 पॉइंट चला गया। एनी वे तो इसमें NR4 NR7 देखिए, बैंक बड़ौदा जो NR4 NR7 में आज का कैंडल का जो हाई लो ब्रेक करता है वो कर सकता है, और वन डे का टू डे का इनसाइड का बाद जब तोड़ता है तो उसका आप लोग इधर नज़र डालिए, इधर से आप लोग को दिखा जाएगा। इंडिया वुड हाउसिंग फिनांस को देख लेते हैं, देखिए इसमें ये जो वन डे का कैंडल इसका अंदर रह गया, तो ये कैंडल अगले दिन का कैंडल जब हाई लो तोड़ेगा तो ये अच्छा मूवमेंट देगा। और इधर से इंडसइंड बैंक में भी है, इधर NR4 NR7 भी है, NR4 NR7 जिसमें होता है और इनसाइड द्वारा NR7 NR7 करंट कैंडल को ब्रेक करना चाहिए। देखिए ये जो करंट कैंडल है, ये जो अगला तीन कैंडल या सिक्स कैंडल का जो हाई लो का डिफरेंस है, आज का हाई लो का जो डिफरेंस है सबसे कम है वो है NR4 और NR7। और जो इनसाइड द बार है, देखिए इनसाइड द बार भी है, ये अगला दिन का कैंडल या जब दो दिन का हिसाब से इनसाइड द बार हो दिखाएगा, तो एक भी दो दिन का कैंडल सही हिसाब से एक भी नहीं निकाला है,